अभी हम वादिये मुजदलिफा में दाखिल होने वाले हैं। कहाँ पे? वादिये मुजदलिफा में दाखिल होने वाले हैं। यहाँ पे हज का कौन सा रुकन अदा किया जाता है? वाजिब रुकन। कौन सा रुकन अदा किया जाता है? वाजिब रुकन अदा किया जाता है। आपसे जब हाजी वापस लौटते हैं तो रात कहाँ पे गुजारते हैं तो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे रात हाजी कैसे गुजारते हैं? खुले आसमान तले। कोई अमीर है, गरीब है, जवान है या बूढ़ा है, सर्दी है या बारिश है या गर्मी, आज ही रात वादी मुजदलिफा में खुले आसमान तले में दाखिल किया है। कोई 5 स्टार होटल में आया, 4 स्टार में आया, इतना पैसा लगा के आया, जब तो मुजदलिफा में आएगा ना तो रात कैसे गुजारेगा? खुले आसमान तले। यहाँ पे हाजी के लिए कोई खेमा, कोई टेंट वगैरह नहीं होता, प्लास्टर की चिटाई वगैरह होती है उसके पास, या कोई कालीन वगैरह होती होती है या चरपास कोई आया ना तो वो यहाँ पे बिछा कर रात गुजारी जाती है। पूरा ये इलाका भरा होता है। यही पे एक मस्जिद आ रही है, मस्जिद मशारुल हराम। आप अपने दाएं जाने आप अपने सीधे हाथ में देखेंगे मस्जिद मशारुल हराम। माशाल्लाह बहुत तारीखी मस्जिद है, पूरा साल बंद रहती है। साल में इसको एक रात के लिए खोला जाता है, साल में इसको एक रात के लिए खोला जाता है। और वो किस दिन खोला जाता है? जिस दिन हाजी अराफात में पूरा दिन गुजारते हैं, और जब सूरज गरूब हो जाता है, सूरज ढल जाता है, तो हाजी किस तरफ का रुख करते वादिये मुजदलिफा का? अराफात में सिर्फ एक दिन हाजी रुकते हैं, पूरा दिन रुकते। अच्छा साहब, आप कैसे कंकड़ियाँ वादते हैं, कहाँ से उठाते हैं? ये दोनों साइडों पे नीचे देखें तो क्रीज पड़ी हुई आपको नजर आएगी, छोटे छोटे पत्थर स्टोन पड़े हुए नजर आ रहे हैं दोनों साइडों पे। अभी तो कम तादाद में है, नीचे कंक्रीट नहीं पड़ी हुई, हाँ बजरी पड़ी हुई है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ढाल दी जाती है ना हज के दौरान, आप किसी भी जगह से कंकरियां उठा सकते हैं। अगर वादी है मुजदलिफा से कंकरियां उठाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कितनी उठाई जाती है? 49 और 70। 3 दिन मारेंगे तो 50, 4 दिन मारेंगे तो अभी आगे में हम जा रहे हैं। लोगों को कौन कौन सा यहाँ आके आके बात आता है? यहाँ से एक आदमी जाता है कि गिरजा घर में जाके वो गुस्से में आता है, टेंशन में आता है, हाइपर होता है, क्या प्लान बना रहा है? मक्का में जाके मैं दुआ में हमला करूँ, हाथी पे अपनी फौज को सवार करता है। और जब पहुंचते हैं वादी में वहां पे अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर जो अज़ाब नाज़िल होता है वो किस सूरत में नाज़िल होता है? रब ताला अबाबील को हुक्म देता है। किसको? अबाबील। अबाबील आपको पता ही है हमारे एशिया के मुल्क में बहुत ज्यादा है। यहाँ आप देखना चाहें तो फजर की नमाज के बाद आप देखिए बैतुल्ला के ऊपर, सारा काबा के ऊपर छोटे छोटे परिंदे घूम, वो अबाबील। घरों में अक्सर पता है क्या करती है, किसी के कारण से सोने में बटन का घर बना लेती है, वहां पे अंडे बचे थे। रब ताला अबाबील को हुक्म देता है नहीं, अरफात में से तो हम आ गए ना, ये मुजदलिफा में वहां पे देखो बारिश नहीं थी, यहाँ पे बारिश हुई है, देख रही रोड तो यहाँ पे अब्रा अपने लश्कर को जब लेके आता है अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर जो अजाब नाजिल होता है, रब ताला एक परिंदे को चिड़िया को हुक्म देता है अबाबील को। अबाबील अपनी चूंच में पंचों में छोटी छोटी कंकड़ियां लेती है और वो कंकड़ियां जब अब्रा के लश्कर के ऊपर बरसती है, अब्रा का लश्कर उस जगह पे जिस तरह है वो जगह अभी जाते हुए आपको दिखाऊंगा। और जब हम वहां से गुजरेंगे तो क्या पढ़ते हुए गुजरेंगे? अस्तगफरुल्लाह अस्तगफरुल्लाह। हज के दौरान यहाँ पे क्या होता है, आर्मी वाला खड़ा होता है, यहाँ का आर्मी वाला वो खड़ा होता है, क्योंकि आर्मी पुलिस दोनों हज पे ड्यूटी होती है। एक दूसरा सा बना हुआ है लोहे का, उसके ऊपर खड़ा होता है वो हाजी को, यहाँ से यल्ला यल्ला का वो बोल होता है कि यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ से जल्दी निकलो। वो थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे कोई भी मार्केट वगैरह नहीं है, ये जेल में आप ही रखना कि ये जगह है कहाँ पे, जो अल्लाह का अजाब हासिल हुआ था, जहाँ सूरह फील का वाक्य हुआ था, वो जगह अभी आपको आगे चल के देखेंगे। आप राइट में देखिए किसी लिहाज में खाली जगह है, ये जगह कहाँ है जहाँ का
साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसके एंड ऑफ स्टार लिखा हुआ है। ये खाली जगह देखने के लिए ये चबूतरा सा बना हुआ है, ये यहाँ पे पुलिस वाला या आर्मी वाला खड़ा होता है। ये जगह है बाद के वहां से अस्तगफिरुल्लाह। अभी मीना में हमारी एंट्री हो चुकी है, वहां पे मीना में हमारी एंट्री हो चुकी है। इस वक्त इस जगह पे अल्लाह के दो नबी इकट्ठे हुए, जिस जगह पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए, इसलिए अपने बेटे को अपने मत्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए और रब ताला की तरफ से उस वक्त एक मेंढा पेश किया गया या एक दुब्बा पेश किया गया। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए और आज हम लोग बच गए, वरना आज हम लोग की कुर्बानी देनी पड़ती। आपके भाई जाने व्हाइट कलर का सफेद कलर का मीनार आपको नजर आएगा, जैसे मस्जिद का मेहराब होता है इस तरह का छोटी सी खिड़की होल बना हुआ आपको नजर आएगा। आप भाई जाने देखेंगे वो छोटा सा मकाम इस्माइल भाई जाने देखेंगे। जैसे आप भाई जन्म देखेंगे पहाड़ के ऊपर में ना छोटा सा सफेद कलर का सपोर्ट बना हुआ आपको नजर आ रहा है। पीछे वालों को भी समझ आ रही है, इधर देखो सामने बिल्कुल वो और आपका इंटरव्यू भी चलेगा। मक्का में क्या देखा, मदीना में क्या देखा, माशाल्लाह। अच्छा आपका कैसा सफर रहा ये शहर मक्का मदीना का, तो वापसी में क्या होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जवाब में क्या होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहना यार पहले भी गए थे इस दफा, और ये आपको पैसा खर्च करके आए या यहाँ पे जो खर्च कर रहे हैं ये अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहे हैं, इसको अकाउंट में शुमार नहीं करना। ये देखना कि रब ताला यहाँ पे किसी के लिए कोई ले रहे हो, ये भी सवाब का काम है, तोहफा दे रहे हो। तोहफा देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जो खा पी रहे हो उसके लिए क्या खा खाएंगे पिएंगे तो इबादत करेंगे ना रब की, ठीक है? तो ये अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करो उसको कभी अकाउंट नहीं करो, रब ताला देखना कि वापस लौटाएगा कैसे। मतलब कोई आदमी कहेगा ना मैं मेरे पास साफ है, पैसे है, जॉब है, बैंक बैलेंस है, जायदाद है, जब जाऊँ आज उम्रे पे निकल जाऊँ, ये चीज जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये वो शहर है शहर मक्का और मदीना के जो हम फैसले नसीब से बनते हैं। यहाँ वो कभी कभी शेर सुना करते थे ना, जिसे चाहा घर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की है बात। यहाँ आके इस शेर की अपमानी का पता चलता है।